गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज का ब्लॉग आपको पता ही है, जो आपने पहले जिन लोगों ने पहले हमारे ब्लॉग्स देख लिए हैं उनको ये वाला ब्लॉग पता होगा कि हमारे ये ब्लॉग क्यों आया है। जो हमने नेम प्लेट बनाई थी अधूरी रह गई थी, अधूरा ब्लॉग हमने छोड़ दिया था, तो आज वो हम कम्प्लीट कर रहे हैं ब्लॉग को। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं कैसे बना रही हूँ उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ आइडियाज़ मिले तो आप भी अपने घर पर बनाओ, और अगर आप अपने घर पे बनाओगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर फ़ोटोज़ एंड हर चीज़ शेयर करिए, फ़ोटो शेयर करिएगा। आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। अभी व्यान दादू के साथ खेल रहा है ऊपर, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा काम हो जाएगा मेरा। तो गाइज़, आज हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो ये बोर्ड, एंड मैंने इसमें कुछ पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर दिया। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैमरा। तो इसमें हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज़, ये मैंने लाइट पेंसिल अभी लगाई है। यहाँ पे गणेश जी बनेंगे और यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, और ये आउटलाइन है, ये यहाँ पे क्ले से वर्क होगा सारा। तो आप देखते रहो कैसे हमारा काम स्टार्ट होता है। चुकी हूँ थोड़ा बहुत। आर्यन को बोला है ये बच्चे वाला काम तो तुम कर ही सकते हो, वही कर तो ये बिल्कुल सटीक लगा रखा है, बढ़िया। तो गाइज, अभी हाफ हाफ मतलब 50% ही हुआ है, समझो 50 और रह गया है। और थक बहुत गए हैं, हालत डाउन है। और वीनू को ऊपर से लेके आता हूँ, रात के बज गए हैं 10, क्योंकि और ये उस टाइम, हाँ ये काम हम उसी टाइम करते हैं जब वीनू को ऊपर छोड़ के मम्मी के पास छोड़ के आते हैं, या फिर मैं वीनू को लेके कहीं बाहर घूमने गया होता तभी सुनी करती है, वरना वीनू करने नहीं देता भाई। बहुत बुरे हालात है, पकड़ेगा कभी इधर फेंकेगा कभी उधर फेंकेगा, बहुत बुरे हालात है। अभी हो चुका है जितना उतना छोड़ दिया, वरना कल करेंगे आप। ओके, तो गाइज अभी मेरा कैमरामैन गए हुए हैं ऑफिस, तो मैं खुद ही बना रही हूँ अपने आप। ये कि व्यान ना मेरा फ़ोन को ऐसे, तो आप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैंने ग्लू लगाया है, ध्यान मत करो, तो भी अल्फाबेट बन रहा है ई। और ये मेरे साथ मेरा शैतान भी लगा हुआ है यहाँ पे। फोन मैंने एक्चुअल अपने पैरों पर अटका रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये बनाने में। इस बच्चे की मतलब काम करने ही नहीं देता है बिल्कुल भी, कुछ भी है ना यहाँ, आप नहीं करने देते ना काम मुझे। बेटी बन रखी है, बेटा बेटी बन रखी है आज व्यान। और मैं अभी ये हाउस नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो ये अभी हमारा आधा काम कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। व्यान ऐसे करो मम्मा की तरह, वेरी गुड, ऐसे ऐसे लंबा लंबा बनाओ, ऐसे बनाओ बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड, मेरा बच्चा सब जानता है, वेरी गुड। तो गाइज, आज मौका मिला है नेम प्लेट बनाने का, व्यान सो रहा है। चलो मैं सोता तो रोज ही है, आर्य ने बोला कि आज तो मैं बिल्कुल कंप्लीट करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसी खाली पड़ी हुई थी। और इसमें क्या हुआ कि हमने प्राइमर नहीं किया था, तो प्राइमर की वजह से इसमें थोड़ी सी सीलन आने लग गई लकड़ी में, हो सकता है तो लकड़ी ही पुरानी थी ये, जहाँ जिस शॉप से हमने ली थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा आधा काम हो चुका है, मतलब आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम।
इसके पीछे ये बैक में देख रहे होंगे आप, ये सीलन आ चुकी है इसमें। अब यहाँ पे हमें पेंट करना पड़ेगा और ये मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और वियान के साथ इतना बारीक काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए धीरे धीरे काम चल रहा है। और अभी भी मेरा हाथ स्पीड में चल रहा है क्योंकि वो उठ ना जाए, मेरे कलर सूख ना जाए, क्योंकि एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर फैन में जल्दी सूख जाते हैं। गाइस वियान ऐसे ही बीच बीच में उठ जाता है और मुझे छोड़ के आना पड़ता है, तो मेरा काम ऐसे ही अधूरा चल रहा है। बट आज मुझे वो बिल्कुल फिनिश करना है, देखते हैं। सफाई तो यार देखो सुकून से बनती है कोई चीज़ ना, पर ये है कि कोशिश यही है कि अच्छे से बने। पर फिर भी हमने बहुत मेहनत करी आर्यन और मैंने, अच्छा बन गया है। और पापा को गिफ्ट करेंगे तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। इस पेंटिंग करते करते वियान बीच में उड़ गया, ऐसे ही उड़ जाता है मेरा वीनू। और मुझे क्या बुलाता है वीनू? चिम्मा, क्या बोला आपने मुझे बताओ? सिम्मा। अपनी मम्मा का नाम लेते हैं सिम्मा। तो ये तो गाइज आज बहुत दिन बाद मतलब हमारी जो नेम प्लेट थी वो तैयार हो जाती, लेकिन सिम्मी दी को टाइम नहीं दे रही थी, तो आज फाइनली वो तैयार हो चुकी है क्योंकि आज है संडे। और सिम्मी का लास्ट बस थोड़ा सा लास्ट टचअप हो रहा है, टचअप ही बोलेंगे सिम्मी इसको, फिनिशिंग हो रही है। उसके बाद हम इसको लगा दूंगा, मैं लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कैसी लग रही है। और वीनू पूरा वो देखो सिम्मी, उसने पूरा कलर मुंह में डाल रखा, वो देखो ये देखो इन दोनों के हाल, ये लगे पड़े दोनों, एक मेहनत कर रहा है एक करने नहीं दे रहा है। तो गाइस और मैं दूसरे वाले फ़ोन से रील्स की वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी। वीनू ने अभी एलविस यादव को पूरा सपोर्ट किया है, वो मेरा भी फ़ैन है, वीनू का भी फ़ैन है, और दो मजे ले रहे हैं, दो मस्ती कर रहे हैं। तो अभी वीनू ने एक बहुत अच्छा सिस्टम वीडियो बनाई है, मैं आपको अभी अपलोड, वीनू ने अभी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सिस्टम, वीनू सिस्टम। तो गाइज नेम प्लेट तैयार हो गई थी और हमने हैंग कर दी है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है। और बहुत सुंदर बनाई है सिमी ने। वीनू और उसकी सिस्टर और पापा बाहर घूम रहे थे, तो मैं दिखाता हूँ आपको जो हमने नेम प्लेट बनाई है, हैंडमेड नेम प्लेट। तो ये है अपनी नेम प्लेट जो बनाई है, और ये है अपना पूरा गेट, और ये इस टाइप से यहाँ पे है। तो मैंने ये हैंग कर रखी है, अभी इसका परमानेंट बाद में देखेंगे। तो सिम्मी की बनाई हुई नेम प्लेट ये है, और हमारी जो ओल्ड नेम प्लेट थी वो ये थी, ये भी सिम्मी ने बनाई थी, लेकिन ये नॉर्मल पेपर पे थी।